नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोट जोन में। दोस्तों मैं योगेश शर्मा आपके सामने खड़ी है, ऑल न्यू ब्रांड न्यू रेनो काइगर RXE बेस वेरिएंट गाड़ी आपके सामने खड़ी है। बेस वेरिएंट दोस्तों एक्सोरूम प्राइस की बात करूं तो 6,50,000 आपको इसका एक्सोरूम पड़ जाता है, और वहीं बात करूं ऑन रोड की तो ऑन रोड आपको जो है 7,47,000 कुछ इतना आपको जो है फरीदाबाद में पड़ेगा। मैं इस टाइम खड़ा हूं फरीदाबाद रेनो में, तो ये देख सकते हैं आप, और आपका ऑन रोड आपके स्टेट वाइज अलग अलग है तो वो अलग अलग वेरी करता है, तो आप देख लेना। तो बेस वेरिएंट है यानी RXE वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, गाड़ी क्या क्या जो है चीज़ें हमें ऑफर कर देती है बेस वेरिएंट में। तो फ्रंट से जो है लुक देख सकते हैं रेनो काइगर की RXE वेरिएंट की, कुछ इस तरीके की मिल जाती है बेस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको जो है रेनो का लोगो मिल जाता है, ये जो आपका जो है ग्रिल जो है आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, तो यहाँ देख सकते हैं। और बेस वेरिएंट से ही आपको जो है DRL मिल जाती है दोस्तों, जो कि LED बेस्ड है, तो वो देख सकते हैं किस तरीके का आपकी, यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर जो है एक LED बेस वेरिएंट से ही आपको DRL मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं गाड़ी की लुक, एक बार चलते हुए DRL देख सकते हैं, और जो हेडलाइट है वो हेलोजन बेस्ड है, तो यहाँ देख सकते हैं हेलोजन बल्ब लो बीम और हाई बीम के लिए दोनों, और नीचे स्किड प्लेट आपको जो है मैट ब्लैक में मिलेगी, ठीक है। तो ये है गाड़ी की फ्रंट से लुक, और ये आपको जो है वॉशर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और दो आपको जो है वाइपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में। तो फ्रंट से देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके की मस्त एक लुक मिल जाती है बेस वेरिएंट से ही। व्हील्स गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलेंगे नहीं, सीएट ब्रांड के टायर हैं, और जिसकी प्रोफाइल की बात करूं 195/60/8/16, तो 16 इंच की आपको जो है स्टील रिम मिलेगी। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करूं तो बेस वेरिएंट की दोस्तों साइड प्रोफाइल देख सकते हैं कुछ तरीके की मिल जाती है आपको, ORBM वगैरह है वो देख सकते हैं आपको यहाँ पे, तो मैट जो ब्लैक पियानो फिनिश है उसमें मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक मिलेंगे। और ओवरऑल दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस की बात करूं तो आपको 205mm गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और 2500mm जो है गाड़ी का व्हील बेस मिल जाता है, तो व्हील बेस भी काफी बेहतरीन है ना। ऊपर देख सकते हैं आप इस तरीके का जो रूफ रेल मिल जाती है। तो ये तरी दोस्तों साइड प्रोफाइल की बात, गुड लुकिंग जो है गाड़ी की साइड प्रोफाइल है, और वहीं रियर प्रोफाइल की बात करूं गाड़ी की तो कुछ इस तरीके की आपको जो है रियर प्रोफाइल मिल जाती है। यहाँ देखोगे तो बेस वेरिएंट आपको डिफॉगर वाइपर वगैरह तो नहीं मिलेंगे, ये आपकी जो है LED स्टॉप लैंप, ये आपका जो है स्पॉइलर, तो ये है, और जो टेल लाइट्स हैं वो दोस्तों जो है एक अट्रैक्टिव पॉइंट है काइगर का शुरू से ही, तो सी शेप में जो है टेल लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि हाँ जी हेलोजन बेस्ड है, और जो स्टॉप लाइट है वो जरूर आपको LED बेस्ड मिलेगी। नीचे देखोगे जो ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप वेरिएंट की तरफ जाके तो वहाँ पे आपको बीच में आपको जो है रेनो के लोगों के बीच आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, पर यहाँ नहीं मिलेगा, काइगर की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। और पीछे जो रियर बम्पर है आपको पूरा मैट ब्लैक में मिलेगा, ये जो है रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं देखने के लिए, और तीन आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक यहाँ यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो ये तो रही इस साइड से गाड़ी की प्रोफाइल, तो गाड़ी की प्रोफाइल देख सकते हो कुछ तरीके की, ये मस्त लगती है दोस्तों देखने में, बेस वेरिएंट ही देख सकते हैं कुछ तरीके आपको मिल जाता है। 6,50,000 एक्सोरूम है, और 7,500 करीबन आपको ऑन रोड पड़ेगा, तो आप स्टेट वाइज देख लेना। तो चलिए आपको इंटीरियर की तरफ ले सकता हूँ, इंटीरियर गाड़ी कैसा ऑफर कर देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखोगे तो डोर पैनल आपको जो है किस तरीके के मिल जाते हैं, ये जो पार्ट है दोस्तों ब्लैक पियानो फिनिश में वो जो है काफी बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ की पावर विंडो का ऑप्शन, ये डोर हैंडल के लिए यहाँ देख सकते हैं मैट मिल जाते हैं। और सीट्स की बात करूँ तो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, तो यहाँ देख सकते हैं फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको सीट्स मिल जाती है, और यहाँ देख सकते हैं एक लंबी सी लाइन एक ब्लैक पियानो फिनिश की जाती है। टॉप वेरिएंट की तरफ जाओगे यानी कि RXZ वगैरह की तरफ, तो वो यहाँ पे आपको थोड़ी सी रेडिश में मिलेगी, बेस वेरिएंट में आपको ब्लैक पियानो मिलती है, ठीक है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट वगैरह नहीं मिलेंगे बेस वेरिएंट में, और मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स देख सकते हैं, और मैनुअली आपका AC मिलेगा, इसमें आपको जो है वायरलेस चार्जिंग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और ना ही USB पोर्ट वगैरह, हाँ जी एक बार बट की चार्जिंग सॉकेट जरूर देखने के लिए जाती नीचे, ठीक है। तो उस साइड चलते हैं, देखोगे कुछ इस तरीके का आपको जो है फ्रंट में दोस्तों खाली आपको जो है पावर विंडो मिलेंगी, रियर में पावर विंडो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ये देख सकते हैं। और की बात करूँ तो की कुछ इस तरीके की मिल जाती है बेस वेरिएंट में, ये देख सकते हैं नॉर्मली मिलेंगी आपको इसमें, हाँ जी सेंटर लॉकिंग गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो ये देख सकते हैं नॉर्मली की मिलेगी दोस्तों, सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं मिलेगी गाड़ी में। और फैब्रिक कैपेसिटी मैंने दिखा दी, और दो गाड़ी में आपको एयरबैग देखने के लिए मिलेंगे सेफ्टी के मामले में। और मीटर कंसोल की बात करूँ मैं एक बार जो ऑन करता हूँ, तो चाबी को लगाते हैं इसमें, तो मीटर कंसोल की बात करूँ तो जिस तरीके का जो मीटर कंसोल मिल जाता देख सकते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, फुल्ली डिजिटल वे में आपको जो है मीटर कंसोल मिल जाता है, लेफ्ट में आपको जो RPM शो होगा, और राइट में आपको जो है टैकोमीटर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और बीच में आपको जो है एक TFT MID मिल जाती है यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा है सिस्टम, ये आपके लाइट के कंट्रोल हो गए, और ये आपके जो है वाइपर के कंट्रोल हो गए, ठीक है, और कुछ ऐसा है। और यहाँ पे हाँ जी उस RXZ यानी कि टॉप एंड वेरिएंट उसमें स्लाइडेबल आता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ जी कुछ डीपली स्पेस मिल जाता है यानी कि गाड़ी में डेडिकेटेड आर्मरेस्ट भी है, तो कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो ठीक है। कैसा ऐसा है बेस वेरिएंट में सिस्टम, IRV आपका नॉर्मल ही है, इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पे आपकी जो है कुछ ही नहीं मिलेगा, ये आपकी जो है लाइट हो गई,
इसे ऑन ऑफ कर सकते हो और वहां पे भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है सिस्टम, यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर। तो चलिए अब चलता हूँ लेके रियर की तरफ गाड़ी के, कि रियर में क्या क्या जो है फीचर्स आते हैं गाड़ी के अंदर। तो रियर से देखो कुछ इस तरीके का आपको जो है डोर पैनल मिल जाते हैं। रियर में आपको पावर विंडो देखने के लिए नहीं मिलती दोस्तों, तो इसे आप कुछ इस तरीके से ही अनलॉक करोगे। और ये है रियर का सिस्टम, यहाँ से देख सकते हैं अपहोल्स्ट्री हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है। कुछ इतना आपको जो 24 mm व्हील बेस के बाद स्पेस मिलता है, एक 12 वाट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। तो ये है रियर की बात। चलिए बूट स्पेस दिखाता हूँ गाड़ी का क्विकली। बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट के लिए हम यहाँ से ओपन करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इतना आपको जो है बूट स्पेस मिल जाता है। नंबर आपको स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे होंगे। और स्पेयर व्हील की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं स्टील रिम मिलेंगी, जिसकी प्रोफाइल बात करूँ सीएट ब्रांड का टायर है, 165/80R14, तो 14 इंच की आपको जो है स्टील रिम मिलेगी, सीएट ब्रांड के टायर है। और बूट स्पेस आप देख सकते हैं काफी आपको जो है बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है यहाँ पर सिस्टम। तो चलिए आपको इंजन की तरफ लेकर चलता हूँ। 1 लीटर के इंजन में आपको जो है कितनी पावर और कितनी टॉर्क मिल जाती है। तो इंजन के लिए दोस्तों आप जो है बोनट आप यहाँ से ओपन करोगे। हाँ जी नीचे है दोस्तों, अंदर डीपली यहाँ से देखिए। इंजन के लिए आप यहाँ से ओपन करोगे, तो चलिए आपको इंजन और दिखाता हूँ एक बार गाड़ी का 1 लीटर का इनलाइन। दोस्तों इंजन की बात करूँ तो ये है 1 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो 67 bhp आपको इसमें मैक्सिमम पावर मिल जाती है। और वहीं बात करूँ मैक्सिमम टॉर्क की तो 96 Nm आपको इसमें टॉर्क देखने के मिल जाती है 3 सिलेंडर इंजन के साथ। तो ये देख सकते हो कुछ 3 सिलेंडर ये इंजन के लुक। यहाँ पे आपको जो है एक्साइड की बैटरी वगैरह मिल जाती है, ये आपके जो ABS EVD वगैरह के कंट्रोल्स। तो ये था ऊपर देख सकते हैं क्लैडिंग यानी कि इंसुलेशन के लिए सारी जो है गत्ते वत्ते लगा रखे हैं। और तो ये है करते हैं इसे बंद। तो ये थी दोस्तों रेनो काइगर RXE यानी कि बेस वेरिएंट। मैंने आपको जो है इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप दोस्तों आपको जो है वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस तरीके से तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।